इस बार के लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए कोई भी लहर नहीं है, बल्कि हवा हवाई यह लहर भाजपा के लिए कहर साबित होगी। ये बात कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने नूपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब एक दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कही। पालमपुर में कांग्रेस रैली में राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ब्रज बिहारी बुटेल, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, बैजनाथ के पूर्व विधायक किशोरी लाल भी मौजूद रहे। सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वे कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के लिए वोट मांगने आए हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 72,000 देने का वायदा किया है। 2020 तक 24 लाख सरकारी नौकरी देंगे, गरीबी को दूर करेंगे, निःशुल्क जाँच, निःशुल्क इलाज, 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। कांग्रेस ने जो कहा है वह उसको करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा, RTI, सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि अब 150 दिन मनरेगा के दिए जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि न्याय होगा। पिछले 5 साल में जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेने का समय आ गया है। परिवर्तन हाथ से ही संभव है। उन्होंने कहा कि काफी गालियां सुन ली हैं, अब अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती। हिंदुस्तान में बदलाव की आवाज है और देश के लिए परिवर्तन जरूरी है। आनंद शर्मा ने कहा कि किसने इस देश को यहां तक पहुंचाया? 1974 में देश परमाणु शक्ति बन गया था और बहुत सी उपलब्धियां देश ने हासिल कर ली थी। दुनिया देश का लोहा मानती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने आने से पहले कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को ये याद रखना चाहिए कि वो हिंदुस्तान से बड़े नहीं हैं, देश बड़ा होता है। भारत माता सबसे बड़ी है। भारत माता की जय भी करते हो और उसे अपमानित भी करते हो। हमने कहा अब होगा न्याय। तो न्याय केवल न्यूनतम आय योजना, जो 5 करोड़ सबसे गरीब परिवार अभी रह गए, 72,000 हम उनके खाते में भेजेंगे साल। पर हमने वायदा किया नौजवानों का, स्पष्ट रूप में बताया हम कितनी नौकरी देंगे। 24 लाख तो सरकारी नौकरी है जो मार्च 2020 तक हम भर देंगे। गरीबी पर हमारा ये आखिरी बार होगा। हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का आयुष्मान भारत नहीं बेचेंगे जिससे उनका मुनाफा हो रहा है और मरीज का नुकसान हो रहा है। हम सरकारी अस्पताल में पैसा लगाएंगे, हजारों करोड़ रुपए लगाएंगे। बेहतर अस्पताल होगा जहां निःशुल्क जांच होगी, निःशुल्क इलाज होगा। हम सरकारी नौकरियों में पूरे हिंदुस्तान में, केंद्र और राज्य सरकारों में, तमाम सशस्त्र सेना दलों में 33% आरक्षण अपने देश की बेटियों को देंगे, महिलाओं को देंगे। और जो हमने कहा है लोग विश्वास करते हैं कि कांग्रेस ने जब कुछ कहा है करके दिखाया है। हमने कहा था हम सूचना का अधिकार देंगे, RTI हमने दिया। शिक्षा का अधिकार देंगे, हमने दिया। खाद्य सुरक्षा का अधिकार हमने कानून के तहत दिया। हमने 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात की, हमने मनरेगा दिया। अब हमने कहा 150 दिन देंगे मनरेगा के, और जो उसकी दिहाड़ी है उसको भी हम दुगना करेंगे।